सफाई व्यवस्था मुरादाबाद में दुरुस्त रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसको लेकर नगर निगम विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह ने आज मुरादाबाद के गलशही क्षेत्र का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को देखते हुए सभी सफाई नायकों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप सफाई पर विशेष ध्यान दें, सड़कों पर कूड़ा ना आए और कूड़े घर के अंदर ही कूड़े को डाला जाए, ऐसे दिशा निर्देश उन्होंने सभी को दिए गए हैं। मुरादाबाद महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम विभाग के सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह लगातार शहर के अनेक स्थानों पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम किया जाए। इसी श्रृंखला में सोमवार को ईदगाह रोड पर सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह पहुंचे, जहां पर सड़क पर कूड़ा पड़ा होने की वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। गंभीर सिंह का ये कहना है कि कूड़ा समय से उठाया जाए और सड़कों पर कूड़ा ना डाला जाए, यदि ऐसा होता है तो राहगीरों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। सफाई नायकों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि कूड़ा कूड़े घर के अंदर ही डाला जाए, सड़क पर कूड़ा ना डाला जाए, जिसकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सिटी चलन संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में ईद का पर्व नज़दीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ईदगाह रोड पर गंदगी काफ़ी देखी गई है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सफाई नायकों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह ने कहा है कि मुरादाबाद वासी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दें। देखिए, हम सुबह शाम बीच बीच और चंद्र रक्षण कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहार के समय पे देश विदेश के कोने कोने से अपने शहर में लोग आते हैं और कि एक अच्छा मैसेज जाए, उनको खुशहाल त्यौहार जैसे खुशहाल का पर्व होता है, तो अगर गंदगी मिलेगी तो उनका मन खिन्न होगा और इसलिए हम पूरे टीम के साथ समय समय पर एक काम कर रहे हैं और आज मैं खुद मौके पर आया हूँ कि देखने की सफाई व्यवस्था कैसी है। सफाई व्यवस्था इसको और अच्छे से किया जाएगा, एक दो दिन के अंदर पूरा एरिया हम क्लीन करा देंगे। जो इस तरह के सफाई कर्मचारी हैं, सफाई नायक हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो संविदा वाले आउटसोर्सिंग वाले हैं, जो लोग काम नहीं कर रहा उनको हटाकर हम इनको, जितने हमारे इंस्पेक्टर्स हैं इनको हमने पावर दे दी है कि अपने लेवल से जो इस तरह के सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मचारी, उनको हटाकर उनके स्थान पर दूसरा लगा। शहरवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आपका चैनल जन जन तक हर घर में पहुँचता है, तो जितने भी दर्शक आप लोग के हैं उनसे अपील करूंगा कि हम जब तक अपना बिहेवियर में चेंज नहीं करेंगे, हम सफाई कर्म नगर निगम के 2000 कर्मचारी अगर सफाई करते हैं, पीछे 15 लाख गंदगी करते हैं, तो सफाई व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होगी। मैं सभी शहरवासियों से कहूंगा कि कूड़े को जहां कूड़ा घर है या जहां डलना चाहिए एक निश्चित स्थान पर, कूड़े को वहीं पटाना चाहिए।